कीबोर्ड का हम लोग यूज करते हैं, इसमें भी देखो वायर और वायरलेस दोनों आते हैं, वायर जिसमें वायर लगा होता है, वायरलेस। अच्छा हमने बताया था कि वायरलेस को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक। इसमें भी आप देखोगे तो एक बैटरी लगी होती है, बिना बैटरी के ये नहीं चल सकता, ठीक है। और ये जितने भी डिवाइस होते हैं सब ऑटो कट होते हैं। ऑटो कट का मतलब होता है कि अगर हम इस पे काम नहीं करते हैं कुछ टाइम तक, एक मिनट दो मिनट, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं ये पावर लेता रहेगा, तब तो दिक्कत है, पावर बहुत ज्यादा ले लेगा, बैटरी आपकी पता चला कि 10 दिन में 15 दिन में खत्म हो गई, तो ये इससे बचता है, ठीक है। ये आपका पावर कट हो जाता है, मतलब ये बैटरी यूज में नहीं लेगा। आप यहाँ पे देखो कीबोर्ड, सभी लोगों ने यूज किया है। कीबोर्ड टू टाइप के होते हैं, पहला तो आपका नॉर्मल कीबोर्ड और दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आप देखे होंगे या तो साइड में कुछ बटन दिए होते हैं या तो ऊपर कुछ बटन दिए होते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड में सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ तक के सभी बटन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके अल्फाबेटिक नंबर स्पेशल कैरेक्टर ये सारे आते हैं। लेकिन जो आपका मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया के यूज करने के भी कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे आपका प्ले का, पॉज का, नेक्स्ट, प्रीवियस, वैल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, या माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए, या शट डाउन सीधे करने के लिए, ये आपके एक्स्ट्रा बटन कुछ दिए होते हैं, ये आपके मल्टीमीडिया होते हैं। कीबोर्ड सभी लोग चलाए हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ पर एक पहला बटन दिया है, ये एस्केप बटन होता है। पहला बटन क्या है? एस्केप। इसका काम क्या है? एस्केप बटन का काम कोई बता सकता है? यूज किए हो ना सभी लोग? कुछ लोग 10 दिन से लैब कर गए होंगे, कुछ लोग 5 दिन से लैब कर गए होंगे, लेकिन कर तो गए हो ना। एस्केप का यूज नहीं, जब हम किसी भी प्रोग्राम को, हाँ बताना, कुछ बता रहे क्या? नहीं। अच्छा, जब हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो प्रोग्राम को ओपन करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डायलॉग बॉक्स का मतलब होता है जिसमें आपके यहाँ पर एक बटन होता है क्रॉस का, सिर्फ एक ही बटन होगा क्रॉस का, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क का बटन होता है, तो यहाँ पे आपके जो बटन है क्लोज के, अगर ये बटन ओपन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं डायलॉग बॉक्स, या फिर एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है। आप माउस पॉइंटर से राइट क्लिक करते हो तो रिफ्रेश न्यू का ऑप्शन आता है ना, ये हमारा होता है पॉपअप मेन्यू। दो है, पॉपअप और डायलॉग बॉक्स। यदि कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जैसे कि आपने न्यू का ओपन कर लिया, सेव का ओपन कर लिया, या अगेन ओपन कर लिया, तो डायलॉग बॉक्स या पॉपअप मेन्यू को हटाने के लिए आपको या तो इसको क्लोज करना होता है, या फिर आप यहाँ पे स्क्रैप बटन दबा दो। स्क्रैप बटन जैसे ही दबाओगे आपका पॉपअप मेन्यू या डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, क्लियर है। ये काम है किसका? स्क्रैप का। अगला यहाँ पे ऊपर देखो F1 से लेके F12 तक फंक्शन की दिए हुए हैं। सेकेंड जो हमारा आता है क्या है? फंक्शन की, F1 से लेकर के F12, ठीक है। अब ये फंक्शन की का काम क्या है? ये फंक्शन की का जो वर्क होता है, अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम होते हैं, सिंपल था। लेकिन इसमें F1 जो है ये सभी जगह कॉमन यूज होता है, ये होता है हेल्प के लिए। किसके लिए होता है? हेल्प के लिए। अगर आप F1 कंप्यूटर में दबाते हो तो आप जिस भी प्रोग्राम पे रहोगे, अगर ऑनलाइन कनेक्ट है तो ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, आपको उसके बारे में हेल्प दिखाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा होता है F1, हेल्प के लिए। ये हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में आता है कि हेल्प का शॉर्टकट की क्या है? क्या है? F1। या F1 किसका शॉर्टकट की है? हेल्प का, क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। बाकी इनके अलावा सबका अलग अलग काम होता है, जैसे F2 रीनेम करने के लिए, नाम को चेंज करने के लिए। इसके अलावा F3 अगर नोटपैड में है तो आप नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा F12 सेव एज के लिए होता है, ये ज़्यादातर सब में काम करता है, F12 सेव एज के लिए, ठीक है। ये हमारा फंक्शन की है। अगला उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आता है स्पेशल की। स्पेशल की से पहले हम बात करते हैं अल्फाबेटिक का। तीसरा है अल्फा बेट, जिसमें आपका आता है A to Z। कीबोर्ड में आप देखोगे यहां पर A to Z के कुछ की दिए गए हैं। ये ABCD ऐसा क्यों लिखा है? ये हम बताए थे आपको शायद कि नहीं बताए थे, ठीक है। ये ABCD ऐसा क्यों लिखा जाता है, किसको पता है? बताया था एक बार, बताया था, चलो अच्छा, जिनको नहीं पता एक बार हम बता दे रहे हैं। ABCD ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि नॉर्मल कीबोर्ड पहले सिक्वेंस में होते थे, और सिक्वेंस में यदि आप टाइपिंग करो तो आप फास्ट टाइपिंग करने लगे। अभी तो कीबोर्ड काफी अच्छे है भी आने लगे हैं, लेकिन पहले के टंकर होते थे, टंकर मशीन देखा है? नहीं, जिसमें कागज डाले जाते थे, टाइपराइटर,
उसको हम लोग बटन को दबाते थे वो टाइप करता था, तो वो टंकर मशीन का जो की होता था वो नॉर्मल होते थे, इतनी ज्यादा स्पीड होती थी कि वो जाम हो जाता था, स्पीड क्या हो गई फास्ट हो गई, तो वो मशीन उतने प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता था तो वो जाम हो जाता था। फिर उनके की को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है, और उसका नाम दे दिया गया QWERT। आपने एक नाम सुना होगा QWERT, नाम सुना है कभी QWERT, क्विकट पैड, ठीक है। ये क्या होता है कि ये ऊपर का जो क्यू है, डब्ल्यू है, ई है, आर है, टी है, इन नाम से बना है क्विकट, QWERT। ये हमारे कीबोर्ड को दर्शाता है या मोबाइल फोन में आपका कीपैड है कि नहीं है ये बताता है कि QWERT आपका एक कीबोर्ड को दर्शाने का नाम होता है, क्लियर। यहाँ पर ABCD जो है अल्फाबेटिक, यहाँ पे A to Z। अगर इसको हमें स्मॉल में लिखना है तो यहाँ पे कैप लॉक ऑन और ऑफ का ऑप्शन होता है। अगर इसको हम लोग ऑन रखते हैं तो ये हमारा कैपिटल में लिखेगा और ऑफ करते हैं तो ये स्मॉल में लिखेगा। जैसे ही कैप लॉक ऑन आप करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट जल जाती है और ऑफ करते हैं तो भी एक लाइट जल जाती है, ठीक है, ये हमारा है। या अगर आप शिफ्ट बटन का यूज करते हैं, शिफ्ट आप देखोगे दोनों तरफ दिया हुआ, ठीक है, यदि आप शिफ्ट बटन का यूज करते हैं तो भी आप किसी भी वर्ड को कैपिटल में लिख सकते हैं, या अगर कैप लॉक ऑन है तो आप इस वर्ड को स्मॉल में लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारा शिफ्ट के साथ भी यूज किया जा सकता है। अगला आता है चौथा, न्यूमेरिक की 0 to 9। 0 to 9 के नंबर होते हैं जो कि हमारे न्यूमेरिक की होते हैं। ये दो जगह होते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर और ये साइड में। अच्छा, कुछ लैपटॉप और कुछ कीबोर्ड छोटे होते हैं, जो कि इतने छोटे होते हैं, ओके, तो उनमें ये न्यूमेरिक की नहीं दिया होता। अगर 14 इंच का लैपटॉप आप लोगे तो उसमें न्यूमेरिक की नहीं देता। अगर 15.5 इंच का अगर लैपटॉप आप लेते हो तो उसमें आपको न्यूमेरिक की मिलेगा। न्यूमेरिक की आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, यहाँ से भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी नम लॉक ऑफ और ऑन का ऑप्शन होता है। अगर इसको आपने ऑफ कर दिया तो ये काम नहीं करेगा, अगर ऑन कर दिया तो ये काम करेगा, क्लियर है। यहाँ पे भी आपके नंबर दिए गए, बाय डिफॉल्ट नंबर यूज होता है। अगर आप ऊपर के कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन का यूज करेंगे, ऊपर का कैरेक्टर भी यूज होगा। अगला आता है यहाँ पर पांचवा, स्पेशल कैरेक्टर। क्या आता है? स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में जैसे आपने यहां पे देखा एट द रेट का सिंबल है, हैश का सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस, माइनस, ये सभी जो कैरेक्टर होते हैं ये हमारे स्पेशल में आता है। हैश, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, प्लस, माइनस, ये सभी क्या हुए? स्पेशल कैरेक्टर। ये आप यहाँ पे देखोगे स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे भी दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे भी दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे भी दिया हुआ है, इनका यूज आप कर सकते हो स्पेशल कैरेक्टर में। अगला आता है छठवां, एरो की। एरो की में क्या होता है? यहाँ पे अप डाउन का एरो की होता है, लेफ्ट और राइट, चार एरो की होते हैं, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे सातवां, ठीक है, कुछ आपके स्पेशल बटन दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका पेज अप, पेज डाउन, एंड, होम के कुछ ऑप्शन आपके दिए होते हैं, इंसर्ट के दिए होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं स्पेशल बटन, स्पेशल की या स्पेशल बटन, जिसमें आपका अल्ट भी आ जाता है, इंटर भी आ जाता है, ठीक है, स्पेस आ जाता है, यहाँ पर कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल कीबोर्ड में दो तरफ दिए होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ऑल्ट भी दो तरफ दिए होते हैं, विंडोज भी दोनों तरफ दिए होते हैं, ठीक है, शिफ्ट भी दोनों तरफ दिए होते हैं, इंटर भी दो जगह होता है, एक आपका यहाँ पे होता है, एक नम लॉक के साथ होता है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आपके इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन है, ये आप देखोगे तो नंबर लॉक में भी दिया हुआ है। नंबर लॉक का यूज अगर करते हैं, इसको ऑफ कर देंगे तो ये होम, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन का काम करेगा। अगर नंबर लॉक ऑन कर देते हैं तो ये आपका नंबर काम करेगा। ये कीबोर्ड के की हैं अलग अलग, क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं, ठीक है। तो कीबोर्ड का जितने भी की होते हैं इनको आप लोग अच्छे से चलाना सीख लो। अच्छे से का मतलब कि जितने भी की हैं कहाँ कहाँ हैं, किस जगह होते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ठीक है वो अगली जगह होगा। एट द गेट कहाँ है, हैच कहाँ है, ग्रेटर देन कहाँ है, लेस देन कहाँ है, क्योंकि नॉर्मल अगर आप टाइप करते हो तो खोजते हो, क्लियर है ना।
और जब मिलता नहीं है तो फिर खोजते हो कहाँ गया, तो ये टाइपिंग स्पीड को कम करता है। और इसका एक ही बेनिफिट, मतलब इसको फास्ट करने का एक ही तरीका है कि आपको टाइप करना होगा, आप जितना टाइप करोगे उतना ये आपका काम। क्लियर? कोई और डाउट? आप ध्यान दोगे ये डब्ल्यू पे और ये एफ पे स्टार्ट होता है। क्लियर है? ये हमारा मिडिल होता है। अब यहाँ पे अगर आप अगली बार जब लैब में जाना तो डब्ल्यू और एफ पे ध्यान देना, वहां पे एक हल्का सा उभार मिलता है। कभी ध्यान देना, इसको आप टच करके देखना, हल्का सा उभार यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है? और यहाँ पर आपको एफ पे भी हल्का सा उभार मिलेगा। ये टाइपिंग के लिए होता है। क्लियर? हम लोग मिडिल से हमेशा स्टार्ट करते हैं टाइपिंग, और डब्ल्यू और एफ पे हमारा जो इंडेक्स फिंगर होता है वो यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। क्लियर है? ये हमारा एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर हमें ऊपर जाना है तो इस फिंगर को हमें टॉप पे ले जाना होगा, अगर नीचे आना तो हम बॉटम पे लाएंगे। क्लियर? तो अब यहाँ भी इन दोनों जगह यहाँ पे हल्का सा उभार देने का यूज यही किया जाता है। अगर आप टाइपिंग कर रहे हो और आपको लगता है कि आपका फिंगर इधर उधर हो गया है तो आप यहाँ पर ले जाओ अपने कर्सर फिंगर को और यहाँ पे हल्का सा टच करके देख लो कि आप सही जगह हो कि नहीं हो, क्योंकि ये पॉइंट अगर आपको मिल गया तो आपके बाकी की ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है? ये टाइपिंग कैसे किया जाता है, कैसे फिंगर यूज किया जाता है, ये हम आपको बता देंगे। क्लियर है? और कोई डाउट? क्लियर?